है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेन टेस्ट एंड टोरी। आज हम देखने वाले हैं कि सीसीटीवी कैमरे को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। बट ये सीसीटीवी कैमरे पब्लिकली एक्सेसिबल है, कोई टारगेट किसी पर्सन का नहीं है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये सब कैसे पॉसिबल है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो कुछ भी किसी को हार्म ना कीजिए, क्योंकि हैकिंग आपकी प्रॉपरली प्योरली इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। आपको जेल हो सकता है, आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। बट फिर भी आपको सिक्योरिटी रीजन से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को हैक ही नहीं कर सकते तो उसे सिक्योर कैसे करेंगे। सो आपको सारे पैरामीटर पता होने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे लोग जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड चेंज नहीं करते हैं उसके थ्रू आप कैसे लॉगिन कर सकते हो किसी के भी सीसीटीवी कैमरे के अंदर। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को मैं हाइड करके रखूँगा ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, रिवील ना हो। बट सिखाना भी ज़रूरी है, तो दोनों चीज़ें साथ चलती रहेगी। तो इसके लिए आपको एंग्री आईपी स्कैनर चाहिए होगा, एक टूल जो कि आपके नेटवर्क को स्कैन करता है। सो आपको सिंपल गूगल एंड देन आप गूगल सर्च करके यहाँ पे लिख सकते हैं एंग्री आईपी स्कैनर डाउनलोड एंड देन आपके पास फर्स्ट ही वेबसाइट ही आ जाएगी। सो आप विंडोज इंस्टॉलर के थ्रू इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप मैक ओएस यूज़र है, लिनक्स यूज़र है, सो अकॉर्डिंगली आप उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। नाउ मेरे पास ऑलरेडी है, सो यहाँ पे मैं एंग्री आईपी स्कैनर ओपन कर लेता हूँ। एंग्री आईपी स्कैनर ओपन करने पे आपको कुछ इस बेस इंटरफेस शो करेगा, जिसपे आपको आईपी रेंज दिखेगी, आईपी रेंज स्टार्ट टू एंड एंड देन आपके होस्ट नेम, आपका नेटवर्क एंड देन स्टार्ट बटन। वो कुछ एक सेटिंग्स का पार्ट, सो प्रेफरेंस में आते हैं। सो स्कैनिंग पोर्ट्स एंड डिस्प्ले अलग अलग आपके पास ऑप्शन है। सो फर्स्टली पोर्ट के अंदर आपको सेलेक्ट करना है ओनली 80 एंड 443। मेन कि आपको सिर्फ वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड ही आपको सर्विसेज चाहिए जो यहाँ पे मुझे शो करे, लाइक पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443। मेन HTTP और HTTPS, सिंपल। नाउ डिस्प्ले सेक्शन के अंदर जाते हैं। सो यहाँ पे मुझे बोलता है कि आपको डिस्प्ले क्या क्या शो करवाना है यहाँ रिजल्ट में। सो मैं यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, होस्ट विथ ओपन पोर्ट्स ओनली। यह आपकी इच्छा पे है, आप इन तीनों में से कुछ भी रख सकते हैं। ऑल स्कैन होस्ट में आपको दिखाएगा कि कौन सा अप है, कौन सा डाउन है होस्ट। अलाइव होस्ट आपको दिखा देगा कि ये ओपन तो है बट पोर्ट ओपन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मीन आपका होस्ट लाइव है। थर्ड आपका होस्ट दिखाएगा जिसमें सिर्फ पोर्ट ओपन हो। सिर्फ हमें अभी सिर्फ वही चाहिए जिसमें पोर्ट नंबर 80 और 443 यहाँ पे ओपन हो रखे हो। ओके, सो ओके। नाउ यहाँ पे आपको एक आईपी रेंज डालनी है, आप कुछ भी रैंडम आईपीज उठा सकते हैं। सो मैं एक रैंडम आईपी लिख लेता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी आईपी लिख सकते हैं। सो अगर उस आईपी रेंज वो आपकी स्टैटिक आईपी हुई, सो उसके बेसिस पे आपको पोर्ट नंबर 80 और 443 आपको मिलेंगे। उन्हीं के ही बेस पे आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। सो कुछ भी लिख सकते हैं आप। एंड देन स्टार्ट। सो स्टार्ट करने पे आपके पास अब आपको सिर्फ ओनली फिल्टर्ड पोर्ट से शो करेगा ये, जिसमें पोर्ट नंबर 80 और 443 यहाँ पे ओपन होगा। बट अगेन सिक्योरिटी रीजन की वजह से कि मैं इसको लास्ट के ऑफलेट को हाइड करके रख रखा हूँ ताकि किसी की इंफॉर्मेशन लीक ना हो। सो सेम टेक्निक्स आप अपने स्कूल, कॉलेजेस या फिर ऑफिसेस के अंदर ट्राई कर सकते हैं फॉर नेटवर्क पेन टेस्टिंग। सो सेम प्रोसीजर ही है। अगर आप कहीं पे सिक्योरिटी ऑडिट्स के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली आप ये सब स्कैन करके देखते हैं, और जहाँ पे भी आपको कुछ पैनल्स मिलते हैं आपको वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ट्राई करके देखने लायक है। एडमिन 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 एट 123, गेस्ट गेस्ट @123, रूट रूट या फिर रूट टूर। सो ऐसे करके आपके पास n नंबर ऑफ आईपीस और n नंबर ऑफ डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप किसी भी सेक्शन के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि किसी पे कैमरा चल रहा हो, किसी पे कैमरा नहीं चल रहा हो, बट मैंने पहले से ही आइडेंटिफाई करके रख लिया है इन्हीं आईपीस में से। अब इसमें आईपीस के लिए एक कोई सी भी एक रैंडम आईपी उठा लेते हैं और रैंडम आईपी उठा के मैं आपको शो करके दिखाता हूँ कुछ एक आईपीस जहाँ पे कैमरे चल रहे हैं, जहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स के थ्रू मैं लॉगिन हो सकता हूँ। सो लेट्स ट्राई। सो सी मैं लॉगिन हो चुका हूँ इसके अंदर, बट लॉगिन के बाद मुझे बताता है कि प्लीज़ क्लिक हेयर टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द प्लगइन, चूज क्लोज द ब्राउज़र व्हेन इंस्टॉलिंग द प्लगइन इन। बट हाँ, आप ये बहुत बार ट्राई कर लोगे फिर भी आपके ब्राउज़र के अंदर ये वेब कंपोनेंट सेटअप नहीं होगा क्योंकि इसके कॉन्फ़िगरेशन अलग तरीके से है। यहाँ पे आपको डेव फाइल वगैरह डाउनलोड करनी होती है, इंस्टॉल करना होता है, वो अलग तरीका है। ये सारी चीज़ें आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर में चल जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को खो चुके हैं, अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर आपको यूज़ लेना है सो आपको विंडोज 7 यूज़ लेनी होती है, और अगेन विंडोज 7 को भी हम खो चुके हैं, वो भी हमारे बीच में नहीं रहे। नाउ क्या किया जाए? सो अब इसके लिए हाँ, गूगल क्रोम के अंदर एक एक्सटेंशन आते हैं विच इज़ IE Tab करके। सो सिंपल IE Tab एक्सटेंशन आप यूज़ में लेते हैं, IE Tab, और आपको ये एक्सटेंशन को आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे तो एंड जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करोगे IE Tab को, तो ये आपका ब्राउज़र एज ए इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह वर्क करेगा। सो एक्सटेंशन IE Tab, जो भी आपने जो कैमरे की आईपीस थी वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। नाउ मुझे नहीं पता, मैंने अभी रैंडमली ही ये आइडेंटिफाई किया था। अब इसमें पासवर्ड डालते हैं एडमिन @123 एंड देन लॉगिन। लॉगिन करने पे आप देखते हैं कि मैं डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। एंड देन इसको प्ले करके देखते हैं। सो सी आप अभी का टाइम मैच कर सकते हैं, हाँ, बट यहाँ पे 1970 करके कुछ टाइम यहाँ पे शो कर रहा है, तो टाइम भी 8:24:33 के आसपास, बट अभी आपके मॉर्निंग के 1:34 हो रखे हैं। सो किसी गैराज का ये CCTV कैमरा है, कुछ दूसरा ट्राई करके देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ निकल जाए। सो जैसे एक और मेरा कैमरा लॉगिन हो चुका है, हालांकि लोड में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये भी किसी यहाँ पे आप डेट वगैरह देख सकते हैं। सी 8 अगस्त 2022 थर्सडे 1:35:25। यहाँ पे सिर्फ कुछ तो है, अरे हम एक ही जगह दो कैमरे लगे। ओके, नेक्स्ट ट्राई करके देखते हैं। 30 to 50 वेबसाइट्स चेक किए, उसमें से मुझे 1 या 2 मुझे कैमरे का मिला है। उनमें से भी चांसेस कम हो जाते हैं कि किसी ने डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रख रखा है या नहीं रख रखा है, या डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है या नहीं, या फिर इजीली गेसेबल है या नहीं। बट सेम चीज़ अगर आप किसी टारगेट पर्सन पे करते हैं लाइक ड्यूरिंग द सिक्योरिटी ऑडिट या सिक्योरिटी असेसमेंट, तो उसमें आप इजीली गेस कर सकते हैं कि लाइक कंपनी के नेम के थ्रू हो सकता है या फिर बर्थडे डेट के हिसाब से। सो ऐसे करके n नंबर ऑफ मेथड से पासवर्ड गेस करने के। नाउ अगर आपको पूरा कैमरा हैक ही करना है, पूरा पोर्टल हैक करना है, तो उसके लिए फिर आपको फर्मवेयर हैकिंग आनी चाहिए, जिसके थ्रू आप फर्मवेयर को हैक कर सकते हैं या फिर फर्मवेयर को डाउनग्रेड करके, या फिर अगर किसी भी जैसे अभी हिकविजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं या किसी और कैमरे का ले लेते हैं। सो सबके आपके फर्मवेयर्स आते हैं, जैसे अभी आप पोर्टल पे देख रहे हैं जैसे स्क्रीन का, तो एक ये फर्मवेयर है जिसके थ्रू आप उस कैमरे को एक्सेस ले सकते हैं। इन्हीं फर्मवेयर के मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज आपकी रिवील्स होती है, जो कि आप exploit-db पे देख सकते हैं, या फिर आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग के थ्रू भी आप कैमरा हैक कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज, बट आज की इस वीडियो में हमने देखा कि सिर्फ डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स की मदद से ही आप कैसे इन सारी चीज़ों का एक्सेस ले सकते हैं। एंड सपोज़ कि अगर ये अभी दिन के अंदर फैक्ट्री में वर्क कर रहे होते हैं, तो लाइक यहाँ पे सिस्टम पे कोई बैठा होता, आप उनको सीधा मॉनिटर कर सकते हो, लाइव देख सकते हो, एक्टिविटीज कर सकते हैं एंड मेनी मोर थिंग्स। सो इन्फॉर्मेशन रिवील्स होने के या फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट एज ए एजुकेशनल पर्पस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स से क्या क्या चीज़ें हो सकती है। सो गाइज ऑलवेज चेंज योर पासवर्ड, और पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो नो वन कैन गेस योर पासवर्ड ईजीली, दैट्स वाई सभी बोलते हैं कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नहीं होना चाहिए, मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए। लोग हॉटस्पॉट बना के पासवर्ड 1 2 3 4 5 रख देते हैं 8 तक, और उसके बाद आप कभी भी कनेक्ट करके देखना किसी नाम का हॉटस्पॉट, या तो उसका नाम से या फिर 1 2 0, यही पासवर्ड्स होते हैं। आप कनेक्ट करके अगर किसी ने क्राइम कमिट कर दिया तो दिक्कत आपको होगी, क्योंकि सिम आपके नाम से रजिस्टर्ड है। सो ऐसे करके बहुत सारे तरीके हैं, बट ये एक तरीका है सीसीटीवी को हैक करने का। रैंडमली आप किसी भी आईपी को कनेक्ट कर सकते हैं, एंग्री आईपी के थ्रू आप उसे स्कैन कर सकते हैं। पोर्ट नंबर 80443 आप सेट कर सकते हैं, और उसके बाद में आप उनको विजिट करके डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स चेक कर सकते हैं, एंड देन सीधा आप लॉगिन हो जाएंगे, आप सीधा मॉनिटर कर सकते हैं। एंड देन एज ए गुड पर्सन आप अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये किस चीज़ का है या फिर कोई वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, सो आप उन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो उन्हें चेंजेस कर दे। सो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग कि और क्या क्या हैकिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।